ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस यार, YouTube के ऊपर फेक कंटेंट की भरमार है। मतलब इन लोगों को नासा वाले ढूंढ रहे हैं जो फ्री एनर्जी बनाते हैं। ओ चूना लगा दिया। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन करने वाले हैं इन फेक वीडियो के ऊपर कि क्या जुगाड़ करते हैं ये फ्री एनर्जी जो बना के दिखाते हैं। मतलब इंजन बना दिया मैग्नेट वाला वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आज हमारे पास एक वीडियो है, उसको हम देखेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि उसके अंदर क्या फेक है, ताकि आपका पैसा बर्बाद ना हो उन प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद, ठीक है। और साथ ही साथ मिलियंस में व्यूज जाते हैं यार इन वीडियो के ऊपर, और हम लोग जो सही कंटेंट बनाते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे विजिट करोगे जाके तो आपको पता चल जाएगा कि रियल कंटेंट में और फेक कंटेंट में क्या फर्क होता है। तो जो रियल कंटेंट बना रहे हैं उनका तो नुकसान ही नुकसान है इन लोगों की वजह से, क्योंकि फेक कंटेंट में मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, तो जो रियल कंटेंट बनाने वाले हैं वो बेचारे बिल्कुल पीछे पड़े हैं हमारी तरह, ठीक है। आज हम बताने वाले हैं इसके बारे में डिटेल में कि क्या झोलझाल कर रखा है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरू। तो ये एक इंजन है सिरिंज का बना हुआ, और इसके अंदर दोनों साइड में मैग्नेट लगा रखे हैं बंदे ने। सिरिंज के अंदर मैग्नेट लगे हुए हैं, और इन मैग्नेट से ये दिखा रहा है कि ये इंजन चल रहा है 300 में। और इसके ऊपर कमेंट देखोगे ना जाके, सर क्या जबरदस्त चीज बना दी है। पीछे एक मोटर लगा हुआ है जिससे ये दिखा रहा है कि मैग्नेट से चल रहा है इंजन, और ये मोटर घूम रहा है और इससे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एक 9 वाट का बल्ब बजा रहा है एसी में और जला के दिखा रहा है। तो अभी सबसे पहले देखते हैं ये जुगाड़ इसने बनाया कैसे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी रियलिटी कि असल में ये सच में चलता है या कुछ ताम झाम कर रखा है इसके अंदर। तो ये जो हमारे चाचा हैं, चाचा चाचा हो गया बस, इन्होंने लिया एक बैरिंग और एक गुड़ का बेस लिया और उसके ऊपर इसको इन्होंने लगा दिया। राउंड ले लिया, बैरिंग के लिए साइज ले लिया, साइड में 2 पीस कट करेंगे यहाँ पे जहाँ सिरिंज लग सके, मतलब टोटली फाउंडेशन बन गया है, ठीक है। तो फाउंडेशन तैयार हो गया, अब क्या करेंगे जी इसके ऊपर, अब ये बैरिंग बीच के अंदर ठोक दिया जाएगा, एज ए फ्लाई व्हील काम करेंगे, ठीक है। ये बैरिंग इसके अंदर लगा दिया है, चलो जी अच्छा है बढ़िया है, ओके। अब लग गया जी, लग गया बैरिंग, लग गया, हम समझ गए। अब क्या करोगे, अच्छा एक गुटका लगाएंगे बीच में, और इस गुटके का काम क्या होगा, इसके अंदर क्रैंक वाला मैकेनिज्म अटैच होगा, ठीक है। तो एक लकड़ी का गुटका लेके इन्होंने इसके अंदर ठोक देना है, चलो जी ये भी कर दिया, समझ गए हम, ठीक है। आप भी समझते रहे ना क्या क्या झोलझाल चल रहा है, क्योंकि पैसा तो बहुत बर्बाद करते हैं ना आप इन चीजों में, इन प्रोजेक्ट बनाने में। मेरे पास भी कमेंट आते हैं भाई मैग्नेट से चलने वाला इंजन बनाओ। ये हो गया एक, इन्होंने स्पोक का वायर ले लिया जो साइकिल के अंदर लगता है ना, जो स्पोक होती है वो स्पोक की वायर काट के इन्होंने इसके अंदर लगा दिए। इसके ऊपर नट सा होता है, वो काम आ जाएगा बाद में कनेक्टिंग रॉड बाहर लाने के लिए इंजन चलते हुए। तो ये क्रैंक तैयार हो गई, ठीक है जी, चलो जी। अब एक और वुड का बेस ले लिया है, ठीक है, इसका बना देंगे ये फाउंडेशन, बेस फाउंडेशन, जिसके ऊपर ये वाला फाउंडेशन दूसरा वाला अटैच हो जाएगा, ये चिपका दिया धीरे। चलिए अब एक और लकड़ी का टुकड़ा ले लिया इन्होंने, इसका क्या करेंगे, हाँ ये मोटर लगाने के लिए रखे, ये लगा दिया, सारा झोलझाल यहीं से शुरू होगा इसी बेस में। चलो जी, नासा वाले ढूंढ रहे हैं इसको, चच्चा वो कहाँ है चच्चा। टोटल फेक वीडियो बना बना के नासा मार रखा है यार यूट्यूब पे, और हम मेहनत कर रहे हैं इतनी दुनिया भर की, इंजन बना रहे हैं, डीजल इंजन के ऊपर काम चल रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन ये भैया ये बाज में आने। और सबसे बड़ी चीज तो ये कि आप लोग वीडियो देखते हो। हो गया जी तैयार, क्रैंक से जोड़ दिया मोटर को, तो अब मोटर घूमेगी सीधी सीधी, ठीक। 2 सिरिंज लेनी है, 10 ml के हैं, हाँ 10 ml का सिरिंज है, और इस सिरिंज को निकाल दिया है, यह आगे की जरूरत पड़ा है, इसको काट देगा बंदा और यहाँ चिपका देगा मैग्नेट। मैग्नेट चिपकाने से क्या होगा कि ये दिखाएगा कि मैग्नेट वाला पिस्टन बन गया, पीछे से रफ कर दिए हैं, ऊपर की तरफ मैग्नेट चिपकाएगा, ये मीडियम मैग्नेट है, तो ये बहुत पावरफुल होते हैं, इसमें तो कोई नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। तो इनको लगा के ये करेगा, एक्चुअल में मैं ये सब चीज़ें करके देख चुका हूँ पहले, मतलब तो इस तरीके से तो नहीं है, तो मुझे पता है, देख के पता चलता है कि फेक है, लेकिन मैंने और कुछ टेक्निक अपनाई थी लेकिन वहाँ पे भी कामयाब नहीं हुआ। तो चलो जी, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना है, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, मैं बाद में इसके ऊपर बात करूँगा, ठीक है।
ये आ गए हमारे सिरिंज के ऊपर के हिस्से, सिलेंडर की तरह यूज होंगे। चलो जी, दो मैग्नेट आ गए, स्पीकर में से निकल जाते हैं ये मैग्नेट, इसको इसके ऊपर लगा के हमने चिपका देना है। चलो जी, सुपर ग्लू से इन्होंने चिपका दिया इसको, वो जो ग्लू गन आती है उस, ठीक है जी। हाँ जी, ये मैग्नेट आ गए हमारे। अब ये यहाँ पे इसको प्रेस कर रहा है मैग्नेट को, पीछे जा रहा है, ठीक है, प्रेस कर रहा है पीछे जा रहा है, आगे नहीं आ पा रहा है ना, क्योंकि प्रेस करना पड़ रहा है मैग्नेट, ये ध्यान रखना। ये बात है सब बात में समझ में आएगी, इससे ही लॉजिक जुड़ा हुआ है कि इंजन क्यों नहीं काम कर सकता। चलो जी, इसके पीछे के पार्ट में दो छोटे पाइप रिफिल वगैरह काट के जोड़ दिए इन्होंने, ताकि ये कनेक्टिंग रॉड इससे जुड़ सके। तो ये तो सिलेंडर तैयार कर लिया, अब ये बनाएंगे कनेक्टिंग रॉड, तो उसके लिए भी स्पोक की वायरिंग यूज कर रहे हैं, जो साइकिल के अंदर स्पोक लगते हैं वही वाले। और अब क्या करेंगे सेठ जी, अब यार मुझे हंसी आ रही है, सब कुछ चीजें जो देख रहा हूं मैं, मतलब यूट्यूब पे जब मैं देखता हूँ मेरे को गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है। गुस्सा तो यहाँ आता है कि आप लोग इस तरीके के कंटेंट पसंद कर रहे हो, देख रहे हो, तो ड्रिल के अंदर फंसा दिया इसको, और इसको राउंड राउंड करके पीछे राउंड सर्कल मिल जाएगा जिसके अंदर कनेक्टिंग रॉड अटैच हो सकती है, मतलब क्रैंक से अटैच हो जाएगा। चलो जी, ये भी कर लिया, बन गई कनेक्टिंग रॉड, दो एक जैसी बना ली है इन्होंने, क्योंकि दो सिलेंडर है तो दोनों सिलेंडर के अंदर एक एक बन गई। चलो, लगा दिए एक सिलेंडर में, सिलेंडर यहाँ अटैच कर देना है। ओके, ये सुपर ग्लू गन जो होती है, ग्लू गन से इन्होंने इसको चिपका दिया, ये अपनी जगह पे आ गया है। अब यहां तक तो समझ में आ रहा है कि अगर इसको घुमाओगे तो ये घूमेगा। चलो, दोनों अटैच हो गए, अभी ऊपर से जो स्क्रू था वो टाइट कर दिया है, जो स्पोक के वायर में लगा होता ना छोटा सा नट, ताकि कनेक्टिंग रॉड बाहर ना निकल जाए। अब चलो जी, पूरा चुप, बस क्या कहूं मैं, बेवकूफ बनाने का सारा झंझट तैयार हो गया है, पूरा इंतजाम कर दिया इसने भी। मैं रोक के एक बार दिखा देता हूँ, पीछे एक मोटर लग गई है, और मोटर लगाने के बाद नीचे बेस लगा हुआ है, और पीछे मोटर के दो वायर है, सिंपल, मोटर के आगे वाले पार्ट से इन्होंने जोड़ दिया है कनेक्टिंग रॉड को, और कनेक्टिंग रॉड जोड़ने के बाद वो दोनों कनेक्टिंग रॉड के पीछे लगे हुए दो सिलेंडर से जिसमें मैग्नेट लगे हुए, सिंपल सा जुगाड़ है। चलिए जी, पूरा आपको बेवकूफ बनाने का जुगाड़ तैयार हो गया, और इन वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यू आते हैं यार, बहुत सारी वीडियो अंग्रेज बना रहे हैं यार गोरे। चलो जी, चलिए जी, समझ गया हम सारी कहानी। अभी हमने इसको घुमाया और घूमती ये चालू हो गया, मतलब इसको एक राउंड दिया और ये मैग्नेटिक सिस्टम चालू हो गया। क्यों चालू हो गया ये, क्योंकि ये बता रहा है देखो, इधर का मैग्नेट इसको धकेलता है, इधर का मैग्नेट इसके धकेलता है, उससे क्या हो रहा है, क्रैंक घूम रही है, क्रैंक से जुड़ा हुआ क्या मोटर, तो वो मोटर चल रहा है। चलिए जी, अब मोटर जब चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होगी होगी, सही है, तो अभी ये इसके अंदर लगा रहे हैं साहब, डीसी भी हो सकता है ये बल्ब, और एसी में भी हो सकता है, तो ये लगाया इन्होंने इसके साथ और बल्ब जला दिया। अच्छा, यहाँ देखो, इंजन के ऊपर कोई भी लोड नहीं पड़ा है किसी भी तरीके का, इंजन उसी स्पीड में घूमता है, तो अभी हो किस तरीके से रहा है, मतलब ये तो सीधा सीधा सिस्टम समझ में आ रहा नहीं कि ये चल रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा, मैं तार पूछ गई, तो मैं बताता हूँ ये होता किस तरीके से है, पहले देख लो, अंगूठा दिखा के बेवकूफ बनाएंगे। चलो जी, चल गया, चालू हो गया, लाइक कर दो इसको, सब्सक्राइब कर दो, और अपने पैसे फूकने शुरू कर दो इस प्रोजेक्ट के ऊपर, पैसे लगा लगा के कि फ्री एनर्जी बनती है, ऐसे कुछ भी नहीं बनता है। तो चलो, अब मैं बताता हूँ ये होता किस तरीके से, ठीक है। देखो, सिंपल सी बात यह है कि जब दो मैग्नेट होते ना, एक इधर लगा रखा था, एक इधर लगा रखा था, दोनों सिलेंडर जो थे, उन दोनों सिलेंडर का काम क्या था कि मैग्नेट उनको धकेल देगा, ऊपर वाला जो मैग्नेट था उसका N और इसका S अलग अलग था, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग था, ठीक है, तो एक मैग्नेट दूसरे को धकेलेगा, ठीक। अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि इधर वाले ने इसको धकेल दिया, बात समझ में आ गई। अब जैसे वो नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा कि वो ऊपर की तरफ जाने की जब कोशिश करेगा तो वापस धकेलने की कोशिश करेगा ना मैग्नेट उसको, वो यूं थोड़ी कहेगा आ सकते हो आप, जा नहीं सकते, वो ये कह रहा है कि मैं धकेलूंगा बस, मैं आने नहीं देगा वापस, तो वो धकेलेगा। अब इसने इसको धकेल दिया, अब जो दूसरी साइड का मैग्नेट है सेम पावर के मैग्नेट है, तो जब सेम पावर यानी एक तराजू है जिसके अंदर बराबर मात्रा में आप वजन रख दोगे तो क्या होगा, ना तराजू इधर झुकेगा ना इधर झुकेगा, तराजू अपनी जगह रुक जाएगा, वही सीन इस सिस्टम के साथ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी मैकेनिज्म चल ही नहीं सकता है, क्यों नहीं चल सकता है,
क्योंकि बराबर अनुपात में एनर्जी है दोनों तरफ, ठीक है, और एनर्जी आपको सिर्फ धकेल रही है, वापस आने की आपको इजाजत नहीं है कि आप वापस नहीं आ सकते अपना पिस्टन लेके। क्यों? क्योंकि मैग्नेट आपको रोक रहा है वापस आने से, क्योंकि धकेला था ना उसने, तो वो धकेलेगा ही बार बार, ठीक, तो वापस आने देगा ही नहीं, तो वो मशीन हिलेगी और रुक जाएगी अपनी जगह पे, ठीक है। अब आ जाते ये कि चल किस तरीके से रहा है, तो चलिए इस तरीके से रहा है कि मोटर जो होता है ना, ये मोटर, उसके ऊपर चारों तरफ ये खाने होते हैं एयर के लिए, उसमें से अंदर की तरफ तार ले लेते हैं, जहां इन्होंने दो तार लगा रखे ना बाहर, उसके पिन अंदर जाते हैं ना, वहीं पे टांका लेके और नीचे की तरफ तार निकाल लेते हैं, और अपना जो टेबल होता है उसके अंदर फोन करा और वायर नीचे को निकाल के, और नीचे से वायर निकालने के बाद वहां से उसको 12 वोल्ट का इनपुट देते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही आपने इसको, इन्होंने एक बार घुमाया था इस तरीके से, जैसे ही एक बार घुमाते हैं इसको, तो वहां पे नीचे से एक बंदा करंट ऑन कर देता है, या इन्होंने पैर के अंदर कोई बटन रख रखा होगा, वहां से ऑन कर देता है। एक्चुअल वो इलेक्ट्रिसिटी से मोटर चला, और मोटर ने इन दोनों मैकेनिज्म को चला दिया। आपको ये लग रहा है कि सिलेंडर से ये चीज चल रही है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि 12 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें आ ही रही है ना, तो अब उसी तार से जो बाहर निकल रहे थे उससे जुड़े हुए थे, उससे वो बल्ब चला के निकाल। ये सारा सिस्टम, सारा मैकेनिज्म मैं बना चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से। ये मेरी पहली वीडियो थी जो मैंने अपने YouTube के ऊपर डाली थी कि इस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं, और इसके अंदर लास्ट में मैंने डिटेल में बताया भी था कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो और अच्छी तरीके से समझ सकते हो किस तरीके से मोटर में तार लगते हैं, ठीक। तो इन चक्करों में नहीं पड़े, फ्री एनर्जी जैसा कुछ नहीं होता है भाई। फ्री एनर्जी अगर आप बना सकते हो तो उसके लिए कुछ मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, उस मैकेनिज्म के थ्रू ही कुछ हो सकता है, जैसे सोलर पैनल हो गया आपका या विंड टर्बाइन हो गया, तो उस तरीके से आप एनर्जी ले सकते हो। वो फ्री नहीं होती है क्योंकि उसके अंदर पैसा लगता है, उसके अंदर एक बार एक मैकेनिज्म सेट करना पड़ता है, उसके बाद वो आपको एनर्जी देता है, जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी हो गई या विंड टर्बाइन एनर्जी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड से चलने वाली एनर्जी के चक्कर में नहीं पड़े, और अगर पड़ रहे हैं तो कुछ उस तरीके का सोचे जैसे विंड टर्बाइन एनर्जी हो गई या हाइड्रो पावर एनर्जी, ठीक। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय, और बिल्कुल भी इन चक्करों में नहीं पड़ना, बिल्कुल भी नहीं पड़ना, अगली वीडियो में मिलते हैं।